अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मोहम्मद आबिद, मैं राहतुल के ओनर का भाई, सरदार नाम करी का एक रोडी शटर डेली सुबह शाम तंग करता है। जो बोले हम उसको देते रहते, जो भी है उसको हैंडल करते हैं, हम मेंटेनेंस करते हैं। बिजनेस है, कब तक बिजनेस बर्दाश्त करेंगे हम? हमारे से खा रहा, हमारे से ले जा रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी आए दिन रात में आना, अम्मा बहन गाले देना, पूरे लोगों को, काम वाले बच्चों को मारना, आए दिन बर्दाश्त कर रहे उसको। डेली का वही है, सुबह शाम वही है। जानते भाई, एक आदमी एक लेके जा रहा, क्या होने वाला कारोबार है, बल्कि समझ बैठ रहे आ रहा। आज तो ये हद होगी कि उसको कि मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मैं क्यों रोकने गया, तो मेरे को दो हाँ तो भाई आज आके उन शराब फुल पी लेके आया, पैसे दे बोले पैसे दे दिया, और पैसे दे बोलते नहीं तो बोलते मेरे ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद चाकू थी क्या थी मैं बताऊँ, मेरे को मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मेरे हमारे चाचा होटल पर बैठे थे, सरदार आया, पैसे पूछे, हमेशा पूछता वो तो दे दिए चीचा, दे दिए। बाद फिर वो गले में हाथ डाला, चाचा रोकने गए तो वो चाचा को क्या करा, मारा उनको। उनके हाथ में ब्लेड जैसी कुछ तलवार थी, उनको मारा, उनको मारते कि मैं छुड़ाने गया, वो मेरे को भी मारा। वो हर टाइम हर हमेशा का हो गया, पीना खाना मारना पैसे ले लेना, हद से ज़्यादा ग्रुप के साथ आना, तमाशा कर देना, ठहरना, प्यालियाँ फोड़ देना, हद से ज़्यादा कर देना। हद तो ये हो गई, सुबह में आ रहा 500-600 रुपये का टिफिन में से ले ले रहा। उसके बाद जो है सो ना, उसको अगर अपन सुबह नहीं आया तो उसके वास्ते परमानेंटली जो है सो अपन टिफिन का पूरा आइटम रखना, इडली उटली हुए उन्हें 12 बजे 1 बजे आया तो उसको देना, नहीं दिए तो कारीगरों को मार रहा। कारीगर अब तक 3-4 चले गए, हद से ज़्यादा कर दे रहा भाई। आज हमारी होटल का कैमरा फोड़ दिए, लेडीज आके तमाशे कर दिए, ओवर कर दिए, कबाड़ फोड़ दिए, हद से ज़्यादा कर दे रहे, बैठ के पीना तमाशे वो ये। आसिफ नगर PS में कंप्लेंट करे, टप्पा चबूतरा PS में कंप्लेंट करे हम लोग। हद तो ये हो गया, आज हम लोग उस्मानिया को गए MNC के लिए, तो MNC कराने के दौरान 30-40 जने कुछ आए थे, आकर MNC कराने दिए। हम लोग बाहर निकलने के हम लोगों को अटैक करे, वो लोग अटैक करे, हम लोग द्वारा भाग लेते कर लेते। हर हमेशा तलवार लेकर आता वो, उस्मानियाकन भी तलवार ले ले गया, उन्हें ले गया, लेडीज ले गए, बहुत सारे जने थे हर तरफ गेट कन, चार पांच जने ठहरे हुए। हम लोग को बाहर निकलने का भी कुछ ऑप्शन नहीं था। और एक तो हद ये हो गई, उसको पैसे नहीं दिए। एक दिन कारीगर बैठे हुए थे तो उनको शराब की बॉटल फेंक कर मारा, वो शराब की बॉटल फेंक के मार के उनको मार के गया। परसों भी ऐसी घट गया, तो बोल रहा कि वो कर रहा कि वो फाइनली कंप्लेंट दिए हम लोग आसिफ नगर PS में दिए, टप्पा चबूतरा PS में दिए। वो पुलिस क्या है, उसको रेगुलर का है, बोल रहे पुलिस उसको उठे बैठे हुए कैसा आते बोल रहे, अब पुलिस ही हमारे को बोल रही उसको पकड़ के ले गया तुम लोग, अब हम लोग कहाँ से पकड़ के लेंगे उसको। आप कराने के लिए खुद पुलिस वाले आपके साथ नहीं थे? नहीं नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं आया हम लोग के साथ। आप चलो बोल के नहीं बोले लोगों को? अरे क्या बोलेंगे सर, वो लोग हम लोगों को जल्द जितना हो सका जल्दी लिख के बढ़ा देंगे बोल के सोच रहे उन्ना। बात ऑफिस, अब हम लोग की हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, ऐसे रॉडी शटर के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। टप्पा चबूतरा खास तौर पे कुछ एक्शन ही नहीं ले रही सर, अब हम लोग को पकड़ के लाओ बोले तो कहाँ पकड़ेंगे सर, जान को धोखा है हम लोग की। वो वैसा ही सर कुछ थे वो लोग बोले। कहाँ पर बोले? आसिफ नगर में। कंप्लेंट करने के बाद दौरान बोले? हाँ जी, कंप्लेंट करने के बाद मैं नीचे मिलने गया, खुसूसन वो राउंड अप से आए थे तो वो हमारे को बोल रहे पकड़ के लेके आओ बोलकर, तो मैं बोला, तो वो बोला मैं उनको सुबह में होटल खोलना है, मैं खाली रहता हूँ बोले, तो मैं तुम्हारी होटल का ना के बैठूँ क्या करूँ, मतलब कॉल करे बाद भी बहुत लेट रिस्पॉन्स आ रहा पुलिस का, सब खत्म हो गया बाद आ रहा सब।